हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पार्ट एक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रार्थना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रार्थना को। हे सदा दयामय दीन बंधु, तुम परमपिता परमेश्वर हो। तो बच्चों, जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं भगवान से? हे सदा दयामन दीन बंधु, जो दीन होते हैं उनके बंधु, तुम परम पिता परमेश्वर हो, परम ईश्वर हो, यानी भगवान हो तुम। हम सबके प्रति पालक रक्षक, हम सबको पालने वाले और हमारी रक्षा करने वाले हो। तुम दया निधि करुणा कर हो, दया करने वाले और करुणा के सागर हो। जग सारा निर्भर है तुम पर। जग मीन्स संसार, सारा संसार तुम पर ही निर्भर या आश्रित है। प्रभु हम पर भी कुछ कृपा करो, हम पर भी भगवान कुछ कृपा करो। छल छदम द्वेष को दूर करो, हम ना किसी से छल करें और ना ही द्वेष यानी बुराई की भावना से हमको दूर करो। कण कण में स्नेह प्रकाश भरो, कण कण में स्नेह मीन्स प्रेम का प्रकाश भरो। देकर के निर्मल बुद्धि हमें, निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ या साफ, हमें क्या स्वच्छ या साफ बुद्धि। देकर के निर्मल बुद्धि हमें शुभ सत्य मार्ग को दिखलाओ। शुभ मीन्स अच्छा, सत्य मीन्स सच्चा मार्ग हमें दिखलाओ। ठीक है, मन वचन कर्म को शुद्ध बुद्ध, जो हमारा मन है, वचन है, कर्म है, उनको कैसा कर दो? शुद्ध। मन अंधकार को बिनसाओ, जो मन में अंधकार है उसे हटाओ। हम दीन दुखियों के सेवक हों, हम क्या हों बच्चों? जो दीन दुखी होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके क्या हों? सेवक हों। पर हित में ही अपना हित माने, दूसरों का हित में ही क्या करें हम? अपना हित माने। हम प्रेम सहित रहना सीखें, जग जग को अपना ही जाने। तो जो सारा जग है उसको हम क्या? अपना ही जाने। ये जो क्या है, जो प्रार्थना है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो भगवान से बोल रहे हैं। ठीक है, और इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि सभी को ईश्वर ने बनाया है, हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो पोयम थी वो हमने पढ़ ली है। आगे अगले पेज पर आओ करके सीखें। इसमें पहले का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो हमारा सही होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तुम पिता परमेश्वर हो, तो निर्भर, परम या प्रभु? तो बच्चों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? परम। ठीक है, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, तुम परम पिता परमेश्वर हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, छल छदम को दूर करो, द्वेष, प्रेम या कर्म? तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, छल छदम द्वेष को दूर करो। ठीक है, तो उसके द्वेष के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, कण कण में प्रकाश भर दो, स्नेह का प्रकाश भर दो। किसका प्रकाश भर दो बच्चों? स्नेह का। ठीक है, तो हमारा जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, स्नेह का प्रकाश भर दो। चौथा प्रश्न है, हमें बुद्धि दो, दुर्बल, निर्मल या रूपल? तो हमें बच्चों कैसी बुद्धि दो? निर्मल, जो ब नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ये हमारे जो विकल्प थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है, खा नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? खाली स्थान भरना है। पहला खाली स्थान है, हम सबके क्या है बच्चों? प्रतिपालक या प्रतिपालक रक्षक। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? प्रतिपालक। दूसरा है, प्रभु हम पर कुछ कृपा करो, दूसरे खाली स्थान में हम लिख देंगे कृपा। ठीक है,
तीसरा दिया हुआ है मन वचन कर्म हो शुद्ध। तो जो तीसरा खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, कर्म, ठीक है। चौथा खाली स्थान, हे सदा दयामय दीन बंधु, तो चौथे खाली स्थान में हम लिख देंगे दीन बंधु, ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, तो ये तो गलत है बच्चों। हमें दूसरों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है जन जन को अपना ही जाने, तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है सभी को ईश्वर ने बनाया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। हमें प्रतिदिन बहन की प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये गलत है। हमें प्रतिदिन किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की या भगवान की, ठीक है। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, यह सारा जग किस पर निर्भर है, तो इसका उत्तर होगा यह सारा जग ईश्वर पर निर्भर है, ठीक है बच्चों। सारा जग किस पर निर्भर है, ईश्वर पर। दूसरा प्रश्न है हम सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा बच्चों मन वचन कर्म को शुद्ध करके हम सत्य मार्ग पर चल सकते हैं, ठीक है। मन वचन कर्म को शुद्ध करके हम सत्य मार्ग पर चल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमें किन लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न है दयामय दीन बंधु कौन है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों दयामय दीन बंधु भगवान हैं, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ हमारा ये पाठ भी पूरा होता है बच्चों, ठीक है। आप अपनी बुक्स में फिल करना, फिर अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना। अगली वीडियो में हम पार्ट दो करेंगे सॉल्व, ठीक है बच्चों।